दोस्तों, जो लोग पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए लाए हैं कंप्यूटर के 50 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पिछले बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसी वीडियो अगर चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इस चैनल पर आपको पटवारी की तैयारी जरूर कराया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, छात्रावास अधीक्षक का भी तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल पर। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जिसका आंसर ए हो जाएगा, CDSE ने, है ना। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास DSE ने किया था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, WW के आविष्कारक कौन है? तो WW के आविष्कारक कौन है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी होगा, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ईमेल का जन्मदाता कौन है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉम्स लिंसन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होता है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, एरर, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, CPU को, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है, तो मेन पेज क्या कहलाता है, इसका आंसर सी होगा, होम पेज, ठीक है, इसका आंसर होम पेज होगा। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, इसका आंसर बी होगा, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं, इसका आंसर सी होगा, क्या कहते हैं, अटैचमेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है? तो इसकी स्थायी मेमोरी बी कहलाती है, ROM, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, IC चिपों का निर्माण होता है, तो IC चिप का निर्माण कहाँ होता है, डी, सेमीकंडक्टर में, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, पॉल एलन और बिल गेट्स, यानी कि डी होगा आंसर, ए और बी दोनों होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स होगा। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो कौन सी विकसित की गई थी, फोर्ट्रान, आंसर सी होगा। 14 प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से प्रयोग करते हैं, वैक्यूम ट्यूब की, आंसर ए होगा। कमेंट में आप बताइए कि सिलिकॉन चिप कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो कौन सी है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, CTCS, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आप, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है। 16 प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटर की डाकघर कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। ALU का पूरा रूप क्या है, ALU का पूरा रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक है। 18 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है, तो कौन सी भाषा नहीं है, सी, ए, है ना, इसका आंसर कौन सा होगा, सी। देखिए 19 का, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, आप सभी को पता है, सिद्धार्थ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ए होगा, सिद्धार्थ, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, RAM का फुल फॉर्म क्या है, तो RAM का फुल फॉर्म क्या है, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है।
अगला सवाल है, चलिए देखते हैं जल्दी से, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है यहाँ पर, इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, एक सुपर कंप्यूटर है, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं होगा, न चेन्नई को कहा जाता है, न ही कोलकाता को, न ही दिल्ली को। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, आंसर सी होगा, जेएस किल्बी ने किया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक कौन सा है, 27वां प्रश्न, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, आंसर बी होगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, गूगल क्या है? तो गूगल क्या है, आप सभी जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, आंसर डी हो जाएगा। अब 29वां सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्र को जांच करने के लिए किया जाता है? OMR का, ठीक है, OMR का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आंसर ए होगा, ठीक है। देखिए आप कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन कराएंगे तो फिर से इसका टॉपिक आएगा, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, मल्लपुरम, डी होगा आंसर। इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया है, CRC में, ठीक है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC में किया गया है। अगला टॉपिक है, संसार का पहला गणक है? तो संसार का पहला गणक कौन सा है, अबेकस, है ना, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, अबेकस संसार का पहला गणक। अगला प्रश्न है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका आंसर सी होगा। UPS का कार्य क्या है? अगला प्रश्न है, UPS का कार्य क्या है? तो UPS का कार्य है कि कंप्यूटर को निर्बोध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? तो आप सभी को पता है कि मॉडेम है, इसका आंसर है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद देखिए आप लोग को पटवारी की तैयारी करवाया जाएगा संविधान से। चलिए टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न हैं, मॉडल तो आपको बता दिया होगा। 7वां है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? तो डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है, डायगोनली से, आंसर डी होगा। 8वां का देखिए यहाँ पर, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है यहाँ पर, पेन ड्राइव से हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक इकाई। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, तो कौन सी परास होती है, 64 बीट। अगला प्रश्न है कि लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी को पता होगा, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर है जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पेज मेकर, वर्ल्ड स्टार, MS वर्ल्ड, है ना। देखिए बार बार रिपीट हुआ वाला प्रश्न है कि पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ए होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए आप अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर
प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सा है? जावा, आंसर ये होगा। 14 प्रश्न देखते हैं कि दूरदर्शन प्रसारण में, ठीक है, देखिए यहाँ पर 14 का प्रश्न कौन सा होगा, आंसर ये होगा, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद पार्ट टू वीडियो में आपको कंप्यूटर के 50 एमसीक्यू और कराया जाएगा, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर सी होगा, जनरेशन। देखिए यहाँ पर 16 प्रश्न, याहू, गूगल व MSN है एक इंटरनेट साइट है। क्या है? इंटरनेट साइट। याहू, गूगल और MSN इंटरनेट साइट है। देखिए 17वां है कि WW का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। देखिए अगले सवाल है कि जंक या ईमेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, आंसर डी होगा। अगला है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता है कि ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है, तो ई कॉमर्स का तात्पर्य क्या है, इंटरनेट पर व्यापार, ठीक है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका पार्ट टू वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।